मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, कृषि विभाग दिल्ली सरकार में कृषि प्रचार अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आज आपको यहाँ पे मधुमक्खी पालन के बारे में जो प्रयोग होने वाले यंत्र हैं या प्रयोग होने वाले मौन ग्रह हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये एक मौन ग्रह है। ये मौन ग्रह में ऊपर टॉप कवर है और नीचे लोहे का स्टैंड है। इस तरीके से इसके अंदर मधुमक्खी के 10 फ्रेम नीचे शिशुखंड में, 10 फ्रेम मधुखंड में रखे जाते हैं। और ये लकड़ी का बना होता है, इसके साइज़ अलग अलग हैं। अब देखिए, ये लकड़ी का बॉक्स है। इसमें ये सबसे पहले ये टॉप कवर होता है जो मधुमक्खियों को बरसात से, सर्दी से इसको बचाता है। उसके बाद इसमें एक, इसको हम इनर कवर कहते हैं। ये जब मधुमक्खियों को माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तब पैकिंग करने के लिए ये इसका प्रयोग करते हैं हम, इनर कवर का। उसके बाद ये देखिए, ये मधुखंड है और इसका जो साइज है, इसकी लंबाई में ये 51 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई इसकी 41 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से जो इसकी ऊंचाई है, वो ये ऐसे ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये सुपर है। और इसमें मधुमक्खी का जो है, इसमें मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। इसमें 10 फ्रेम आते हैं, 10 के 10 में शहद इकट्ठा होता है। उसके बाद ये एक रानी अवरोधक जाली है, ताकि रानी ऊपर सुपरमैन आए, उसके लिए ये लगाई जाती है। और ये जो है, ये मौन ग्रह है। ये मौन ग्रह है, लकड़ी का बना होता है। लकड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन अच्छा जो है वो कैल और तुन रहता है, क्योंकि कैल हल्का होता है और पानी में ये ख़राब भी नहीं होती है लकड़ी। ये 8 से 10 वर्ष चल जाती है। तो इसका जो मौन ग्रह है, इसका साइज़ भी लंबाई में 51 सेंटीमीटर होता है और ये 41 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसमें जो है, जो इसका जो ये चिरान होता है, जो इसकी मोटाई है लकड़ी की, 22 mm है। इसके अंदर ये लकड़ी के फ्रेम होते हैं। इसकी मोटाई जो है, ये 2 सेंटीमीटर है और 48.5 सेंटीमीटर में लंबाई में है ये, और 22 सेंटीमीटर ये चौड़ाई में है। और इसमें जो ये बार होता है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये एक बार होता है, ये बार 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और नीचे से ये 2 सेंटीमीटर का साइज रहता है। इस तरीके से जो है, ये लकड़ी का फ्रेम है। ये हमारी जो पूरा जो बक्सा मैंने अभी आपको दिखाया है, बक्सा लगा दें इसे, ये जो बक्सा है, ये पूरा एक कॉलोनी कहलाती है। 10 फ्रेम इसके अंदर होते हैं। ये लोहे का स्टैंड है, इसके ऊपर जो है हमने ये मौन ग्रह रख दिया। उसके बाद इसमें मधुमक्खी के 10 फ्रेम होते हैं। इसके बीच में रानी अवरोधक जाली, ताकि रानी इसी में अंदर रहे, ऊपर ना है। उसके ऊपर ये मधुखंड लगा देते हैं और इसमें भी 10 फ्रेम होते हैं। और उसके बाद ये इनर कवर और ये इसके ऊपर ये टॉप कवर होता है। इस तरीके से जो है, ये हमारी एक पूरी कॉलोनी मधुमक्खी कॉलोनी कहलाती है। ये मौन ग्रह है और मौन ग्रह के अंदर जो है 10 फ्रेम नीचे मौन ग्रह में होते हैं, शिशु खंड में। और ये मधुखंड है और मधुखंड में इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से ये छत्ते लगे रहते हैं। और ये छत्ते जो है मधुमक्खी ने बनाए हैं। और इसमें प्रारंभ में हम इस तरह की, आप मैं दिखाना चाहूँगा, ये सीट मोम की, इन्हीं के मोम से सीट बनाई जाती है।
और ये मोम की सीट लगा के, और इसमें ये छोटे छोटे जो है ये छत्ताधार के कॉम्ब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर जो है मधुमक्खी में लगा लेते हैं तो इस पे ये मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है। देखिए मधुखंड जिसे हम सुपर भी कहते हैं, तो उसके स्थान पे हम सेलो सुपर लगा सकते हैं। सेलो सुपर लगाने के लिए जो अगर हमें कॉम्ब हनी लेना है तो उसके लिए हमें सेलो सुपर लगाना होगा, और सेलो सुपर में जब हमारे फूल में जो मकरंद होता है जिसे नेक्टर कहते हैं उसकी कमी आ जाती है तो उस समय पे सेलो सुपर बड़े कारगर हैं। तो क्या होता है इसमें बहुत जल्दी शहद इकट्ठा हो जाता है, तो ये सेलो सुपर मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सेलो सुपर है जिसका जो साइज है ये 41 सेंटीमीटर चौड़ा है, वही जो मधुखंड का साइज हमने बताया था सेम वही साइज रहता है, 51 सेंटीमीटर ये लंबा है, लेकिन इसका जो ऊंचाई है वो 15.2 सेंटीमीटर इसके फ्रेम की नाप रहती है। ये छोटा होता है, सेलो माने छोटा, तो ये जो वो बड़ा मधुखंड है जिसे सुपर कहते हैं उसका आधा होता है ये लगभग, तो 15.2 सेंटीमीटर है ये आप देख सकते हैं इसे। और इसको हम रानी अवरोधक जाली लगा के इसको लगा देते हैं, और इसमें इस तरीके से इसके फ्रेम भी जो फ्रेम का साइज हमने बताया था उससे आधा होता है, उसकी लंबाई तो बराबर होती है लेकिन जो चौड़ाई है वो इसकी आधी रहती है, और इसके अंदर जो है हम कॉम्ब हनी लेते हैं। अब कॉम्ब हनी किस तरह निकालते हैं, ये फ्रेम है, इस फ्रेम में से देखिए ये कॉम्ब है, ये कॉम्ब हनी के लिए SS की बनी हुई प्लास्टिक की है, और ये इस तरीके से जो है ये फ्रेम के अंदर जो है हम सेट कर देते हैं, ये इस तरीके से सेट हो जाता है, और इस तरीके से जो है इसके अंदर जो है ये 6 कॉम्ब जो प्लास्टिक के बने होते हैं ये लगाए जा सकते हैं, और इनके अंदर जो है हम वैक्स सीट काट के लगा देते हैं और इसमें जो है हनी एकत्रित हो जाता है, और इसको फिर हम निकालेंगे इससे जब इसके अंदर हनी भर जाएगा, और इस हनी को फिर जो है इस डिब्बे को ऐसे लगा के और हम इसको बाज़ार के लिए भेज देते हैं, ये बंद हो जाता है, ये कॉम्ब हनी होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस में इसका प्रयोग जो है रानी जो हम नई रानी बनाते हैं तो उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके अंदर 3 फ्रेम पड़े हुए होते हैं, वही साइज जो मौन ग्रह में होते हैं वही साइज इनका रहता है, बस इसका अंतर इतना है कि इसमें 3 फ्रेम आते हैं, तो ये छोटा है साइज में और केवल रानी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ततैया पकड़ने का एक यंत्र है ये, इसको पिंजड़ा कहते हैं, ततैया पकड़ने वाला पिंजड़ा, ततैया जिसे बर्बी कहते हैं या इंग्लिश में इसे वास्प कहते हैं, ये मधुमक्खियों का बहुत बड़ा शत्रु होता है, तो इसलिए यदि आपके पास 100 कॉलोनी एक जगह हैं तो वहाँ पर एक ही पिंजड़ा ये पर्याप्त होता है, ये ततैया पकड़ने का पिंजड़ा है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे गुड़ लगा देते हैं और गुड़ की खुशबू से ततैया इसके अंदर चला जाता है, और अंदर भी गुड़ रख देते हैं इसके, और इसमें ततैया यहाँ से होता हुआ इस जाली के अंदर आ जाता है, तो 2-3 दिन के अंदर जो भी ततैया वहाँ घूमता है वो सारा का सारा इसमें कैच हो जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, और क्योंकि ततैया जो है एक दिन में 100 से ज़्यादा अधिक मक्खियों को मार देता है, तो इसलिए इस पिंजड़े का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। मधुमक्खी की कॉलोनी में जाने से पहले मधुमक्खी हमको ना काटे, तो मधुमक्खी कॉलोनी खोलने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होती है, ये अलग अलग कुछ मधुमक्खी में प्रयोग होने वाला सामान है जिसके बारे में मैं आपको अलग अलग सामान के बारे में बताऊँगा। सर्वप्रथम ये मुरक्षक जाली, ये मुरक्षक जाली का हम प्रयोग करते हैं, और इस मुरक्षक जाली को अपने चेहरे पे इसको पहन लेते हैं, पहनने के बाद ये हमारा सुरक्षा वस्त्र हैं, देखिए ये सुरक्षा वस्त्र हैं, ये इनको हमको पहन लेते हैं। इसमें कपड़े जो है मोटे कपड़े का होना चाहिए ये, और कॉटन का हो तो अच्छा रहता है, तो ये वस्त्र जो है हमको पहनने हैं। इसके बाद जो है
फिर हम जो है ये बूट को हमको पहनना होता है, और उसके बाद जो है हाथ में ये दस्ताने हम हाथ में पहनते हैं। पहनने के बाद फिर ये धुआंकर होता है, जिसमें हम कोई भी गाय का या भैंस का कोई भी कंडा इसके अंदर सिलका के और उसमें धुआं करते हैं, और मधुमक्खी पे इस तरीके से हल्का सा मधुमक्खियों पे धुआं मारना होता है। और उसके बाद जो है ये हाथ में फ्रेमों को हटाने के लिए इसको हाइब टूल कहते हैं, ये लोहे का और स्टील का दोनों का आता है, ये हाइब टूल कहलाता है। और इसके द्वारा जो है हम मधुमक्खी के फ्रेम को आगे पीछे करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए मधुमक्खी में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्र हैं जिनका मधुमक्खी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम रानी अवरोधक जाली, इसके अंदर जो शिशु खंड है उसके ऊपर इस जाली को लगाते हैं ताकि रानी नीचे रहे। इसके द्वारा जो है मधुमक्खियां तो निकलती हैं इसमें से, लेकिन रानी इसके अंदर से नहीं निकल पाएगी, तो रानी मधुखंड में नहीं जाएगी, अन्यथा क्या होगा कि रानी शिशुखंड में भी अंडे दे देगी और मधुखंड में भी दे देगी। तो मधुखंड से हमें केवल शहद ही लेना होता है, तो उसके जो है अंडे जो है मधुखंड में दे, रानी को रोकने के लिए रानी अवरोधक जाली का प्रयोग किया जाता है। और रानी अवरोधक जाली फूड ग्रेड प्लास्टिक का होना चाहिए। उसके बाद ये भोजन पात्र है, और ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, और इसके अंदर मधुमक्खियों में जहाँ पे फ्रेम लगाए जाते हैं वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। और इसके अंदर शक्कर का जो घोल हम बनाते हैं उस घोल को इसके अंदर भर देते हैं, और मधुमक्खी इसमें से जो है इस जो घोल है इसको अपने चूसकांग से चूस के इसको अपने फ्रेमों में भर लेती है। और ये देखिए इसके अंदर जो है ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मधुमक्खी डूबेगी नहीं, इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये फीडर के द्वारा फीड बना के इसके अंदर भर दिया जाता है। और फीड जो है ये ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों को आवश्यकता होती है, उस समय आर्टिफिशियल फीड दिया जाता है फीडर के द्वारा। ये रानी अवरोधक जाली है, लेकिन ये दूसरे तरीके की जाली है। जो पहले मैंने आपको बताई थी कि भाई रानी अवरोधक जाली, ये केवल अगर आपको मधुखंड से शहद नहीं लेना, आपको शिशुखंड से शहद लेना है, तो उसके लिए हम तीन फ्रेम के बीच में इसको इस तरीके से बक्से के अंदर इसको लगा देंगे, तो इसमें जो है मधुमक्खी उन तीन फ्रेम तक नहीं जाएगी, रानी नहीं जाएगी और मधुमक्खियां जाएंगी इसमें से, रानी रुक जाएगी, तो उन तीन फ्रेमों में जो है हमारा शहद इकट्ठा हो जाएगा और उन तीन फ्रेमों से हम केवल शहद निकाल लें, तो ये इसका प्रयोग होता है। ये परपोलिस जाली है, ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो है जैसे हमारा माना शिशु खंड है या मधुखंड है उसके ऊपर इस जाली को लगा देते हैं, और इस जाली से हम परपोलिस लेते हैं, और परपोलिस हमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा परपोलिस आता है, तो इसको जो है बक्से के ऊपर इसको लगा देते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं छिद्र, इन छिद्रों में परपोलिस काले रंग का भर जाता है, और परपोलिस जो है आप देखेंगे ये परपोलिस है, ये इस तरह परपोलिस होता है, और ये हमने इस पे बोतल के अंदर पैक किया हुआ है। ये बहुत अच्छा ये मेडिसिनल प्रयोग होता है, और ये मधुमक्खी पालक का 600 रुपये से 800 रुपये किलो के हिसाब से इसको जो परपोलिस की दवाइयाँ बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, वो लोग ख़रीद लेते हैं, और इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन तैयार होती है। ये पराग पास है, और इसको जब फूल का बहुत अच्छा स्रोत होता है उस समय पे हम प्रयोग करते हैं। इसमें मधुमक्खी जो पराग लेके आती हैं वो इसके इस जो इसमें ये दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनसे गुजरती है, और उनकी टांगों में
जो मेथी के दाने के बराबर पराग आता है वो टूट के गिर जाता है और इसमें इस तरीके से इसमें इकट्ठा हो जाता है। और ये पराग पास ये देख सकते हैं, ये पराग है और ये मेथी के दाने का तरीके का होता है। भरपूर प्रोटीन और इसमें सारे मिनरल्स विटामिन्स पाए जाते हैं और बहुत ही ये पोषक तत्व से भरा हुआ है, इसका सेवन करते हैं और ये कैंसर में भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए बक्से हैं, इन पे पराग पास लगाया हुआ है सभी बक्सों पे, और मधुमक्खियाँ ये पराग पास से गुजरती हुई पराग ला रही हैं। ये मौन विष यंत्र है, इसके द्वारा मधुमक्खियों से मौन विष निकल जाता है और हमारी एक भी मधुमक्खी इसमें मरती नहीं है। और इसके अंदर ये तार लगे हुए हैं, जस्ते के तार हैं इसके अंदर, और इससे जो है इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है और इसमें करंट प्रभावित होता है और इस पर इसे बक्से के साथ लगा देते हैं, बक्से के मुंह के आगे रख देते हैं, मधुमक्खी इसमें बैठती है, मधुमक्खी को झटका लगता है तो उससे जो है गुस्सा आता है और डंक निकालती है और वो तारों में डंक मारती है और उसके द्वारा नीचे शीशे की आप देखेंगे एक शीशा पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये शीशा, ये शीशे पे जो है उसकी विष की बूंद इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही एक मधुमक्खी इस पे आके जैसे ही अपना विष निकालेगी उस विष की स्मेल पूरे बक्से में पहुंच जाती है, मधुमक्खी समझती है कि कोई शत्रु हमला कर रहा है, तो उस स्थिति में जो है उस पे तमाम मधुमक्खियाँ इस पे आके बैठती हैं, एक पूरा मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड इस पे आके बैठ के डंक मारता है और उस डंक से विष इसमें निकल जाता है और शीशे पे जमा हो जाता है। उस शीशे पे जो है फिर हम मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से, देखिए ये मधुमक्खियाँ जो हैं ये किस तरीके से मधुमक्खियाँ का झुंड इन पे आके बैठ गया है और ये इन पे विष गिरा रहा है शीशे पर। उसके बाद इस शीशे को हम निकालते हैं और आप ये शीशे पे इस तरीके से इसको खुरच लिया जाता है, इस विष को जो है इस शीशे को निकाल के विष को खुरचा हुआ है और उस खुरचने के बाद जो है फिर इसको इस तरीके से ये कांच की बोतल के अंदर जो है इसको स्टोर करते हैं और बाज़ार में इसका बहुत अच्छा खासा मूल्य है। और इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु में मोम विष निकालने का उपयुक्त समय है, तो हम और हमारा मधुमक्खी से मोम विष निकालने के बाद जो है फिर 15 दिन बाद पुनः मोम विष उससे ले सकते हैं। इस तरीके से हमारी मधुमक्खी पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और हम मोम विष निकाल सकते हैं। और विशेषकर हमारे अर्थराइटिस वगैरह की जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनमें मोम विष का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। ये रानी पिंजड़ा है जिसे क्वीन केज कहते हैं और देखिए इसके अंदर यहाँ से खोल के इसमें रानी को बंद कर दिया जाता है। कुछ हमारी स्थिति विशेष परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें हमें रानी को बंद करना होता है या रानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है, तभी हम इस क्वीन केज का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर जो है 20 से 30 दिन तक क्वीन अंदर रह जाती है और यहीं से जो मधुमक्खियाँ हैं इनको फीड खिलाती हैं, क्योंकि मधुमक्खी का भोजन जो है रॉयल जेली होता है, तो रॉयल जेली का जो फीड है मधुमक्खियों को इससे जो छिद्र हैं इन्हीं से खिलाती हैं, तो उसमें इसका बड़ा महत्व है और इस क्वीन केज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये रानी द्वार है और जब मधुमक्खियों को माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तब इसको गेट पर, मधुमक्खियाँ जब अंदर चली जाती हैं तो इसको गेट पर लगा देते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को जब माइग्रेट करते हैं तो मधुमक्खियों में जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हवा से भारी होती है तो वो गेट से ही निकलती है, तो इसलिए गेट पे ये जाली लगाना अनिवार्य होता है माइग्रेशन के समय पे। उसके बाद ये दूसरे इससे थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का बन के आया है अभी ये दूसरी नई तकनीकी से, इसे भी रानी द्वार ही कहते हैं और ये भी बक्से में लगा दिया जाता है और ये इसको बक्से में आगे लगा के और बक्से में एक इस तरह का एक होल कर दिया जाता है और इसको स्थिर कर दिया जाता है और जब हमको माइग्रेशन करना होता है तो जाली पर ले आए इसे।
और जब माइग्रेशन नहीं करना होता तो इसको खुला रहने दें, तो मधुमक्खी इससे भी आना जाना करेंगी। तो जब मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती आ जाती है तो उनको बड़े गेट की जरूरत पड़ती है, तो उसकी भी ये पूर्ति करता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मधुमक्खी का से बक्से से जब हम शहद निकालते हैं तो उसमें किस किस सामान का हम प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग सामान दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम ये छीलन छुरी है जो SS की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और इससे जो छत्ते के अंदर मोम से मधुमक्खी अपने छत्ते को सील्ड कर देती है तो उससे इसके द्वारा उसको हटाते हैं, उसके छीलन छीलते हैं इससे। उसके बाद दूसरा ये ब्रूस है, इसका प्रयोग जो हमारा छत्ताधार हम निकालते हैं, जैसे ये छत्ताधार है, ये छत्ताधार है, ये छत्ताधार निकलता है तो इस पर जब हम निकालेंगे ये शहद से भरा हुआ होता है तो मधुमक्खियों को निकालने के लिए इस तरीके से इसको ये झाड़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से मधुमक्खियों को इसमें झाड़ने का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से एक तरफ से झड़ गया, फिर इस तरीके से दूसरी तरफ से, तो ये मधुमक्खियों को झाड़ने के लिए ये करते हैं। और मधुमक्खी अपने बक्से में चली जाती है और इसको जो है फिर चाकू के द्वारा इसकी छीलन, इस तरीके से इसकी छीलन से जो है हम ये इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद एक मच्छरदानी लगी होती है, ये मच्छरदानी है, एक मच्छरदानी को हम लगा के पूरा घर सा बना लेते हैं। ये शहद निष्कासन जाली है और इसके अंदर जो छत्ते शहद निकालते हैं तो चाकू से छीलन का कार्य इसी जाली के ऊपर हम करते हैं। ये जब हमने चाकू के द्वारा इसकी ये छीलन को हटा दिया है तो उसके बाद जो है इसको हम ये मशीन, शहद निकालने की ये मशीन है, शहद निष्कासन मशीन बोलते हैं इसे, और इस तरीके से जो है इसमें रख के और इसको घुमा देते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये एक अच्छी किस्म की रानी कैसे बनाई जाती है। उसके लिए ये प्रयोग होने वाला सारा सामान है, ये क्वीन मेकिंग किट है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक मोम का कप बनाने वाला यंत्र है, और ये रानी जो अंडा देती है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वे को उठाने का ये निडल है, ये ब्रूस है, उसके बाद यहाँ पे ये क्वीन कप लगाए गए हैं, इनमें लार्वा ग्राफ्ट करते हैं, ये भी क्वीन किट है, इसके अंदर क्वीन को बंद कर दिया जाता है और क्वीन इसके अंडा डालती है, जिसमें ये पीछे इस तरीके से इसमें अंडा डल जाता है। ये सारे क्वीन बनाने का किट है। ये मोमी छत्ताधार निर्माण मशीन है और इसमें जो मधुमक्खी के छत्ते के जो कॉम्ब्स का साइज होता है वही इसके बेलन में वही साइज है। अब इसको बनाते कैसे हैं, हमने ये मोम लिया और इस मोम को गर्म इसको पानी में उबाल देते हैं। उबालने के बाद जो है इसको इस बर्तन में भर लेते हैं और इस तरीके से हमारी ये कांच की भी हो सकती है और लकड़ी का भी हो सकता है। ये इसको जो है निर्मा पानी एक लेते हैं, निर्मा पानी में इसको हम डिप करते हैं। डिप करने के बाद जो है फिर इसको मोम के अंदर जो है इसको हम लगाते हैं, तो ऐसे डुबोने के बाद जो है इस पे मोम की लेयर लग जाती है और उस लेयर को इससे जो है हटा लेते हैं। हटाने के बाद पानी में धोने के बाद जो है फिर हम इस तरीके से जो है मोम की लेयर को इस तरीके से इसमें जो है इसमें निकाल के और इसको घुमाते हैं। जो हमारी प्लेन सीट बनी थी उस सीट को इससे हमने गुजारा है, इस मशीन से गुजारने पर, और इस तरीके से देखिए ये सीट तैयार हो गई है और ये सीट में इस तरीके से जो कॉम्ब हैं वो कॉम्ब इसके अंदर बन गए हैं। तो ये हम इस तरीके से अपने मोम का हम ये सीट बना सकते हैं अपने घर पर ही। मधुमक्खी में माइट और कुछ बीमारियों के प्रयोग के लिए ये दवाइयां हैं, जिसमें एक फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये भी ऑक्जेलिक एसिड है, ये डाइक्लोरोबेंजीन है जिसका उपयोग मौत को रोकने में किया जाता है, उसके बाद ये यूकेलिप्टस का तेल है जो मधुमक्खियों में माइट में बीमारियों में प्रयोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उसके बाद ये थाइमोल है, अजवाइन सत, ये थाइमोल है जिसका मधुमक्खी में
बरुआ माइट और ट्रोपिलेप्स माइट के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको मधुमक्खी में प्रयोग होने वाले सामान और यंत्र के बारे में बताया। ये सभी आधुनिक सामान का यदि हमारे मधुमक्खी पालक भाई इसका प्रयोग करेंगे तो उनको अधिक उत्पादन मिलेगा और शहद भी अच्छी गुणवत्ता वाला प्राप्त होगा।